गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश। इंग्लिश में आज हम यूनिट 5 में चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। यूनिट 5 का 2 पढ़ने वाले हैं। कर्ली लुक्स एट द 3 बियर्स। एक लड़की थी, उसके बहुत ही घुंघराले बाल थे और 3 बियर्स की बात की गई है। तो चलिए आप भी टेक्स्ट बुक खोल के मेरे साथ पढ़ सकते हो। वंस देयर वाज अ गर्ल विद कर्ली हेयर। हेयर नेम वाज कर्ली लुक्स। तो एक लड़की थी, उसके बहुत ही घुंघराले बाल थे और उसका नाम क्या था? कर्ली लुक्स। वन डे सी वेंट इनटू फॉरेस्ट नियर हाउस। तो उसके पास ही एक जंगल था। वो सी हैज अ कॉटेज। आई एनीबॉडी इन सी आस्क्ड द हेयर वाज नोबॉडी। तो जंगल में उसके पास एक जंगल था। उसके घर के पास क्या था? एक जंगल था। जंगल में वो चली गई कुटिया देखने। कुटिया के पास जाके उसने बोली कोई है? तो उस कुटिया के पास कोई भी नहीं था। देयर वाज अ नोबडी। देयर बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। तो बियर फैमिली भी उसमें रहती थी, वो घर पे नहीं थी। दे हैड गन फॉर अ बॉल। तो उसने आवाज लगाई तो कोई नहीं था। और वो कुटिया के में एक भालू की फैमिली रहती थी। उस कुटिया में कौन रहता था? एक भालू की फैमिली रहती थी। और वो घूमने के लिए गई थी। वो फैमिली कहाँ पर गई थी? घूमने के लिए गई थी। कर्ली लुक्स वेंट इन सी वेंट टू द वी लिव्ड देयर। निकल गए थे। सी वाज देयर बाउस ऑफ प्रॉड्स एंड द टेबल। उसने अंदर जाकर देखा, तीन बाउल्स टेबल पर रखे हुए पड़े थे। देयर वाज अ बिग बाउल फॉर पापास बियर। जो सबसे बड़ा बाउल था वो किसका था? पापा बियर, भालू का। सबसे बड़ा भालू था ना, उसका था। मिडल साइज बाउल फॉर मम्मा बियर एंड टेनी लिटल बाउल फॉर बेबी बियर। और जो मिडल क्लास का साइज का था वो मम्मा बियर का था और सबसे छोटा था वो बेबी बियर का था। कर्ली वॉज अ हैंग्री। कर्ली जो थी लड़की, उसको बहुत ही भूख लगी थी। सी एट द प्राउड एंड फ्रॉम द बिग बाउल। इट्स वॉज अ वेरी हॉट। और जो लड़की थी ना कर्ली, हाँ वही बहुत ही भूखी थी। उसने सबसे बड़ा बाउल खा लिया और बहुत ही गर्म था। उसने सबसे पहले क्या किया? उसने सबसे टेबल पर जो सबसे बड़ा बाउल रखा था ना, वो खाने की कोशिश की। तो बहुत ही गर्म था। सी एट फ्रॉम द मिडल साइज बाउल। इट वॉज अ कोल्ड। तो क्या था? दूसरे मिडल क्लास जो मम्मा का था वो किस था? वो ठंडा था। सी एट फ्रॉम टेनी लिटल बाउल। इट्स वो जस्ट राइट। जो सबसे छोटा बाउल था वो क्या था? एकदम सही था। नहीं ठंडा नहीं ज्यादा गर्म, मिडल और था। कर्ली लुक्स एट अप द प्रोवर्स देन वेंट टू द बेडरूम। और कर्ली लुक्स पूरा खाना, वो लड़की थी उसने क्या किया? मम्मा का, पापा का और बेबी का खाना खा लिया और फिर क्या किया? बेडरूम में वो चली गई। There was a big bed for Papa Bear, a middle size bed for Mama Bear and tiny little bed for Baby Bear. तो क्या किया उसने? सबसे पहले बड़ा बेड था उस पर जाकर वो लेट गई। तो वो बहुत ही हॉट था, वो पापा बियर का था। दूसरा था वो बहुत ही दूसरा था वो मम्मा का था और तीसरा था वो टेनी का था, जो सबसे छोटा भालू था ना उसका था। तो बिग बेड वॉज अ वेरी हॉट। बड़ा बेड था वो क्या था? बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। द मिडल साइज बेड वॉज अ टू सॉफ्ट। जो मिडल साइज का था ना वो बहुत ही सॉफ्ट बेड था। बट द टेनी लिटल बेड वॉज जस्ट राइट। जो सबसे छोटा बेड था वो क्या था? सब राइट था। कर्ली लुक्स फील अस्लीप इन अ टेनी लिटल बेड। वो टेनी के बेड पर वो सो गई। द बियर फैमिली कम बैक। तो बियर फैमिली वापस आई। वो बाजार गई थी घूमने के लिए तो क्या वो वापस आ गए। समबडी एट माय प्रोवाइड शूटेड पापा बियर इन हिज बिग गुफ वॉइस। जो सबसे बड़ा वाला भालू था उसने कहा कोई मेरे खाना खा गया है। समबडी एट माय टू साइड मम्मा बियर। तो मम्मा फिर से भी बोली मेरा भी किसी ने खाना खा
खा लिया है. Somebody finished my provides a baby bear in his tiny little voice. और सबसे छोटा भालू था, उसने क्या किया, उसने भी बोला मेरा भी किसी ने खा लिया है. The bear family went to the bedroom. और फिर जो भालू की फैमिली थी वो बेडरूम में गई. Somebody slept in my bed. शुटेर पापा बियर इन हिज बिग वॉइस. फिर बियर फैमिली बेडरूम में गए और बोले मेरे बेड पे कोई सोया था. और प्यारी सी आवाज में सबसे छोटा भी बोला, मम्मा भी बोली कि मेरे बेड पे भी कोई सोया था. Somebody slept in my bed, said baby bear in his tiny little voice. और जो छोटा था वो भालू भी बोला मेरे बेड पे भी कोई सो रहा है. Curly looks went up. She saw the three bears. She jumped down and run out of the cottage and fast she scolded. तो जैसे ही उसने उठ के देखा तो तीन भालू सामने खड़े थे. जो बची थी ना वो लिंग में से जा गई. और उसने देखा तो तीन भालू उसके सामने खड़े थे. उसने बेड से नीचे जंप किया और बेड पे कूद गई और बेड से कूद गई और वहां से भाग गई. वो तो बियर से डर गई और वहां से भाग गई. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है. आप न्यू वर्ड्स जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं वो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो और रीड कर सकते हो. थैंक यू.